सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको अपने अलग अलग एपिसोड्स के थ्रू इंगेज रखेंगे, एंटरटेन रखेंगे, तो आज हमारे से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कनिका मेहरा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन के जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, उस दौरान अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से चेक में रखा जाए, और ऑडियंस के पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस के ये जवाब देंगी। तो चलिए बिना ज्यादा समय और गवाए इन्हीं से बात करते हैं। सो हाय कनिका जी, वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। हाय पारुल। तो बेसिकली जैसे हम सभी जानते हैं कि हम क्वारंटीन में हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास आप जैसे लोग हों हु कैन यू नो motivate people to think positive and stay positive during this lockdown and difficult time. So, pehla question hi hai ya, because maine pehle hi announce kar diya tha that we are going to chat with a psychologist. So, there are so many questions. Par main thoda mota mota aapko batau jo generic questions aaye hain. So, first question is ki itna kuch hai, you know, there's so much content outside ki negative news ki wajah se it's taking a toll on our mental health. So, how people should deal with it? This is the first question. So we are all aware about it ki ye COVID-19 is getting very very challenging, right? And things are getting critical day by day. ऐसे टाइम पे हमें अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप बाय टेलिंग अस टू स्टे होम। व्हाई दे आर टेलिंग अस टू स्टे होम, स्टे सेफ, इज बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ। लेकिन इस टाइम पे हमारा जो काम है, हमारी जो ड्यूटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एज वेल। मैं अक्सर ये चीज बार बार बोलती हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ, बट ऑल्सो स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। थिंग्स आर गेटिंग क्रिटिकल, और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी नेगेटिव न्यूज आ रही है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। पीपल आर स्प्रेडिंग नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव र्यूमर्स आर गेटिंग स्प्रेडेड डे बाय डे। वी कांट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस इन दैट केस। बट वॉट वी कैन डू इज वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, एंड हाउ वी कैन हेल्प आवर सेल्फ इज टू इग्नोर द नेगेटिव न्यूज एंड फोकस यू नो ऑन आर थॉट प्रोसेस टू कीप एंड इंश्योर दैट वी आर हेल्दी। मैं इस प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स के साथ फाइव वेज टू कीप एंड स्टे हेल्दी, यू नो मेंटली हेल्दी के चीजें शेयर करना चाहूंगी। फाइव वेज टू स्टे मेंटली हेल्दी। द फर्स्ट इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट अ गुड डाइट। गुड डाइट, योर गुड एंड राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन यू आर ईटिंग अ राइट डाइट योर बॉडी इज परफॉर्मिंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। सेकेंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे टाइम पे आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको पता है डिफरेंट टेक्निक्स, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो देयर आर वेरी सिंपल टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। सो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एज अ न्यू बिगनर हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 10 मिनट्स की मेडिटेशन कीजिए, एंड डे बाय डे आप अपने मिनट्स इंक्रीज कीजिए। Yeah, so this is a very important. And third, which is very, very important, is that do exercise. Exercise is not, exercise could be, hum bahar nahi ja sakte, hum gym nahi kar sakte. We are all aware about it. I am also a gym person. Mera bhi lockdown ke karan gymming band ho gayi hai. But maine apne ghar pe apna ek chota sa gym bana liya hai. And gymming is not only related to all the equipment. How I am doing gymming, it's, you know, very, I am finding new ways. You know, so you should have a willingness to do it. So I would just say to all the viewers through this platform that please do an exercise, not only to keep you physically fit, but also mentally. Because when you do an exercise, your body performs in a very different manner, and all the negative news will, will get ignored. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं दे विल ऑल एग्री विद मी कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वेदर इट्स अ वॉक, वेदर इट्स योगा, आई एम अ योगा पर्सन एज वेल एट द सेम टाइम, तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है दे ऑटोमेटिकली गेट हेल्दी अबाउट इट। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अपने घर में अपना एक योगा कर लीजिए, आप जिम कर लो, जो भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड यू नो फोर्थ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट
एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी. हम अक्सर ये चीज कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये यू नो टाइम इज ऑलवेज शॉर्ट, वी आर वेरी बिजी, दीज हैव बीन द थ्रू आउट लाइफ, वी हैव बीन गिविंग एक्सक्यूजेस टू आवर सेल्फ लाइक इज, बट वी हैव गॉट दिस टाइम. सो डू एनी प्रोडक्टिव हैबिट. द पर्पस इज दैट यू शुड एंगेज योर सेल्फ इन यू नो एनी हेल्दी हैबिट. या सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज नेगेटिव न्यूज पे हमारा कंट्रोल नहीं है. हमारा कंट्रोल है हाउ वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, एंड इन दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ यू नो आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. तो कनिका जी, इसी से रिलेटेड जैसे आपने बहुत खूबसूरती से समझाया, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं वो इस बात से परेशान है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है. देयर इज एन यू नो अजम्पशंस कि ऐसा होने वाला है, इकोनॉमी बहुत खराब हो गई. तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे सवाल आए थे, बट एक सवाल आया शिवांगी मेहरा का, जिन्होंने कहा कि उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि उनकी जॉब ना चली जाए, बिकॉज सिंस लॉकडाउन से बहुत इम्पैक्ट हो रही है इकोनॉमी. तो इस पे आप क्या राय देंगे और किस तरह से यंगस्टर्स को इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? सी देखिए, पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कोई भी थ्रेट और जो फियर है, यू नो व्हाट इट इज बेसिकली एक नेगेटिव इमोशन होता है, राइट? इट कैन बी रियल एज वेल एंड इट कैन बी इमेजिनेटिव. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट कि हमें पता है दैट ग्लोबल रिसेशन इज कमिंग ऑन द वे, बट right now your job is in your hands, you know, you are working and the job is going on, but bahut zyada zaruri ye hai ki aapka jo entire focus hai at present apni job pe hona chahiye, you know, right. if you are a liability for the organization, so you know you might lose a job, but if you are an asset for the organization, you this you know tsunami of a global recession will not hit you. So my advice and suggestion to all the youngsters out there is that don't try to bring any fear in your mind. Aapka jo entire focus hona chahiye wo apne kaam pe hona chahiye. You should focus on it, what how you can make your organization more productive, because it's all a teamwork. मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ दैट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रोज. सो इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए दैट व्हाट यू कैन गिव बेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू गाइस कैन यू नो वर्क टूगेदर टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, रादर देन जस्ट हैविंग द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज इन योर माइंड. वो चीज, देयर इज नो सेकंड थॉट, ग्लोबल रिसेशन इज ऑन द वे. However, it has not hit you till yet, right? Yes. And your entire focus should be on yourself and on your job and on your roles and responsibilities rather than just having the fear factors in your mind. Also, I would also through this platform say one more thing to all the youngsters and youth is that this is a time of self-discovery. This is really a time of self-introspection. Yes. Ye bahut badi ek, you know, hume time mila hai. We are the advantage hai. तो ये आप पे है कि आप अगर फियर्स रखोगे अपने माइंड में तो आप अपने आप को एक नेगेटिव ऑरा दे रहे हो. और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस टाइम को यू नो लर्न फ्रॉम दिस टाइम एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. सो आप इस प्लेटफॉर्म से और ये जो टाइम आपको मिला है COVID-19 से, आप यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस. यू नो दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन एनहांस योर स्किल सेट बाय updating yourself by learning new things like this. So as an employee, you have to, you know, entire focus should be on your organization, how you can be a productive employee, how you can give best and best to your organization. I would like to suggest this. जैसा कि आपने अभी समझाया इतने अच्छे तरीके से हमें कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से यंगस्टर्स को मदद मिलनी चाहिए, तो अगला सवाल मेरा यही है कि क्योंकि आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम सिंस यू आर बिजी एंड टेकिंग अ लॉट ऑफ सेशंस, तो लोगों ने आइसोलेशन का एक जो वर्ड है उसको अलग तरीके से अपने माइंड में घुसा लिया है ये सोचकर कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ जेल. सो हाउ यू विल यू नो टेल आवर व्यूअर्स इन अ इजी लैंग्वेज कि देखो जेल नहीं है, It's something which is very important. अभी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो किस तरह से समझाएंगे आप? So, पारुल, जैसे कि आपने ये वर्ड यूज की है जेल, मैं फिर वही कहूंगी कि इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट डियर, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. एक नेगेटिव माइंड सेट विल कंसिडर इट एज अ जेल, मैं आइसोलेट हो गया हूँ, आई एम बिल्कुल यू नो कुछ करने को है नहीं, अलोन एंड ऑल दैट. बट अ पर्सन हु हैज अ पॉजिटिव यू नो माइंड सेट विल
टर्न द टेबल अराउंड एंड विल थिंक अबाउट इट दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी. जैसे बिल गेट्स ने अपने एक बहुत अच्छे आर्टिकल में मेंशन किया दैट COVID-19 इज बेसिकली अ करेक्टर. इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इट्स अ टाइम टू यू नो डिस्कवर योर सेल्फ. सो आप इसको यू नो यू कैन जस्ट स्पेंड द डेज ऑफ यू नो लॉकडाउन और यू कैन इन्वेस्ट इन द डेज. राइट, यू कैन इन्वेस्ट इन योर डे. You can invest by learning yourself. You can invest your time in upgrading yourself. We always say one thing that if you are not updated today, you will be outdated tomorrow. And all the people who have continuously, you know, learning and have a zeal to learn today, you know, COVID-19 has not affected them. So yes. this is a time to learn. You can do any productive habits. You, as I've already shared, you know, to take care of your mental health. You do any kind of productive habits, it could be related to any good cooking. आप हमेशा करना चाहते थे. We always used to consider कि अरे time नहीं मिल रहा. So invest your time in cooking, invest your time in reading, invest your time in upgrading your skills, invest your time in writing. Do there are so much to do. I through this platform I would you know suggest to all the youngsters who are considering it as a jail. First is to cure your thought process and focus that it is not a jail. Rather, we have got this best opportunity, you know, from universe to make it. Basically, I always talk on 3 R's. That is to rethink, to reinvent, and to reform yourself. So this is rethink, reinvent, and reform yourself. You know. So, aap pe hai and always have, you know, have a futuristic approach and keep on updating yourself because as I've already said that if you are not updated today, you will be outdated tomorrow. So, it's very, very important that you should plan your day. Even if you're at home, why not? You can plan your day. What I have to do it today. I mean, you know, I would like to share, I'm working from home. I'm doing my online sessions, everything, but my day is very well planned. And I'm aware about it that what I'm going on to do in my professional activities and personal activities. So take it lockdown in a very positive manner. Again, things which we cannot control, we should not focus on it. But the things that we can control and make best of it, our focus should be right now on it. Because when you are focused, you are productive. Then COVID-19 is not going to affect you physically and mentally. However, if your entire focus is on the negative news, on isolation, on jail, on fear factors, it is going to hamper you very badly. And it is my once again a big, big, big advice to it. Don't let COVID-19 hamper you. Focus on yourself, update on yourself. जी. थैंक यू सो मच कनिका जी, आप हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी और आपने ये सारी एडवाइजेस हमें और हमारे व्यूवर्स को दी. मेरे को भी बहुत मदद मिलने वाली है एंड आई होप कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मदद मिलने वाली है. फॉर सच मोर वीडियोस यू कैन कनेक्ट टू वंडर न्यूज और कनिका जी हमारे साथ अवेलेबल रहेंगी. मैं जब भी जैसे ही ये वीडियो हमारे साथ वीडियो में आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा वेर यू कैन कॉन्टैक्ट हर ऑल्सो. यू कैन डीएम टू अस ऑल्सो एंड यू कैन राइट योर क्वेरीज ऑन info@wonderlynews.com. हम उन तक आपकी सारी बातें ले जाएंगे और उनको लगातार वंडर न्यूज पर वापस लाते रहेंगे. बिल्कुल तरीका जी, मैं सही कह रही हूँ? आप वापस आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल. आई एम ऑलवेज देयर फॉर द यूथ, फॉर द पीपल ऑफ माय कंट्री थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. आई एम ऑलवेज देयर. तो मैं कनिका जी को वापस लाऊंगी. तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच कनिका जी फॉर ज्वाइनिंग. ओके, मोस्ट वेलकम. थैंक यू, हैव अ गुड डे.